वेलकम स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल्स रिलेटेड कुछ वीडियोस हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ वीडियोस में फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो क्लॉक बेसिकली कोई भी शेप की हो सकती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ सर्कल शेप की मान रहे हैं, बिकॉज शेप कोई भी हो, जो क्लॉक का जो हैंड है वो सर्कुलर ही घूमता है। तो जो मिनट हैंड है वो बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, और वो पूछ रहा है कि वो 5 मिनट तक जीरो मान देते हैं, 5 मिनट तक अगर वो चलता है तो उसने कितना एरिया कवर करा। तो ये जो शेप है, वो जो शेप हो गई वो क्या हो गई, सेक्टर हो गई। और यहाँ पे जो रेडियस है वो 14 हो गई सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि इसका थीटा क्या है। अगर हम थीटा निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो 5 मिनट तक चला है। चलो फुल चल लेते हैं ना, ऐसा बीच में क्यों रोकते हैं। अगर वो स्टार्ट करे 12 से पूरा घूम के 60 मिनट चल ले, ये तो बता सकते हो कि कितना डिग्री चलेगा। बहुत ही आसान है, पूरा सर्कल घूमा है तो कितना चलेगा, 360 डिग्री चलेगा। सिंपल, 60 मिनट चला तो 360 डिग्री, तो 1 मिनट चला तो यूनिटरी मेथड 360 डिवाइड बाय 60। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखें कि 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड, हम बात किसकी कर रहे हैं, मिनट हैंड की कर, 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 1 मिनट चलता है 60 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो थीटा हो गया 5 मिनट के लिए चला है, तो 6 डिग्री इंटू 5 तो 30 डिग्री। देखो एरिया हो गया 30 अपॉन 360 इंटू 5 22/7 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14, फिर इज रिकॉर्ड 1 12 7 आया 2 11 6, तो ये आ गया 2 1। तो आंसर आ गया 11 इंटू 14 अपॉन 3। 11 इंटू 14 हो जाएगा 154 अपॉन 3, यहाँ पर 351.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ईयर सेंटीमीटर स्क्वायर डालें, मीटर तो मीटर स्क्वायर डालें। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आने वाली वीडियोस में हम और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।